इस बार बिहार के यात्रियों को एक नई ट्रेन मिली है, लेकिन यह कोई नई इंटरसिटी ट्रेन नहीं होगी और ना ही कोई लंबी दूरी की ट्रेन होगी। इस बार लोकल यात्रियों के लिए एक नई DMU पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू होने वाला है और ऐसे में इस ट्रेन का जो अपडेट होगा वो हम अपडेट लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, साथ इस वीडियो को कीजिए आगे शेयर और आने वाली नई ट्रेनों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा और यहाँ पर एक नई लोकल ट्रेन की शुरुआत होने वाली है जिसका टाइम टेबल और रूट भी रेलवे ने जारी किया है। और जैसे ही हमें नोटिफिकेशन इस ट्रेन का मिला, हम सोचे कि आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट बना दें जिससे आपको इस ट्रेन का सुविधा तो मिल ही सके, साथ ही आप इस ट्रेन से सफर भी कर सके। ऐसे में यह अपडेट इस ट्रेन पर आज का हमारा है। यह ट्रेन 05593 के साथ समस्तीपुर से और दूसरी दिशा में यह ट्रेन 05594 के साथ जयनगर से चलेगी, यानी कि जयनगर टू समस्तीपुर के बीच इस ट्रेन का परिचालन DMU पैसेंजर के रूप में देखने को मिलेगा। पैसेंजरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ओर से समस्तीपुर जयनगर के बीच DMU पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा रहा है। ट्रेन गुरुवार से अगले सूचना तक समस्तीपुर और जयनगर के मध्य चलाई जाएगी। वहीं रेलवे के ओर से अधिकारियों का कहना है कि इस पैसेंजर स्पेशल ट्रेन से यात्रा के दौरान पैसेंजरों को COVID-19 मानकों का पालन करना पड़ेगा। बताया जाता है कि ट्रेन नंबर 00593 समस्तीपुर जयनगर DMU पैसेंजर ट्रेन सोमवार से ही चलाने की बात हो रही थी, लेकिन यह ट्रेन मंगलवार से खुली और अगली सूचना तक यह ट्रेन चलाई जाएगी। इसका परिचालन डेली आपको देखने को मिलेगा। समस्तीपुर से यह ट्रेन 2 बजे रवाना होगी और प्रस्थान करने के दौरान यह ट्रेन 5:17 पर जयनगर पहुंचेगी। अब बात करते हैं दूसरी दिशा में पहुंचने वाली इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। इसी तरह यह ट्रेन 05594 के साथ जयनगर से समस्तीपुर के बीच DMU ट्रेन जयनगर से 6:35 पर शाम में खुलेगी और यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन 11 बजे रात में समस्तीपुर पहुंचेगी। अब बात करते हैं स्टॉपेज के बारे में। स्टॉपेज तो इसका उन सभी छोटे बड़े रेलवे स्टेशन पर दिया गया है जो कि इन दोनों रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन के बीच में पड़ता है। क्योंकि यह DMU स्पेशल ट्रेन होगी तो जाहिर है कि लोकल ट्रेन का स्टॉपेज इंटरसिटी या फिर लंबी दूरी की ट्रेन से ज़्यादा होता है। तो ऐसे में बेफिक्र होकर ट्रेन में सफ़र करें और हाँ, सफ़र करने से पहले टिकट अवश्य ले लें। रेलवे काउंटर से इसका टिकट मिलेगा और आपको इस ट्रेन की बुकिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट अपडेट। कैसा लगा अपडेट नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और नई ट्रेनों का डिटेल्स के लिए हमारे रेल न्यूज चैनल को कर लें सब्सक्राइब।